वालेकुम। तो भाई आज का व्लॉग होने वाला है काफी मजे का और यूनिक व्लॉग होने वाला है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। कहाँ जा रहे हैं सुना? मंदिर में जा रहे हैं। तो आज आप लोग को पता होगा कि आज है दिवाली, तो हम जा रहे हैं मंदिर में। तो शायद आप लोग को ये भी पता हो या ना पता हो, खैर मुझे पूरी तफसील तो नहीं पता, बट थोड़ा थोड़ा सही पता है। जहाँ तक मैंने रिसर्च की, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक पढ़ा है, तो वहाँ तक पता है कि ये दिवाली मनाई क्यों जाती है। जैसे कि हमारी ईद होती है, रोज़े हम रखते हैं माशाल्लाह से, रोज़ेदारों के लिए पूरे 30 रोज़े रखते हैं, तो उसका इनाम मिलता है हमें, ऐसा कहा गया है, उसका इनाम मिलता है हमें ईद की खुशी में। तो इनकी दिवाली इसलिए मनाई जाती है, इनकी सीता मैया का अपहरण हो जाता है, सीता मैया का हरण अपहरण अपहरण हो जाता है, जो कि यानी कि कोई इनको, फिर सीता मैया को राम जाते हैं बचाने के लिए, राम भगवान जाते हैं बचाने के लिए, जो कि 14 साल के वनवास के बाद वापस लौटते हैं, तो उनकी लौटने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। तो इसी को कहते हैं दिवाली। तो मुझे ऐसा पता है, और अगर किसी को मतलब कोई मैं मिस्टेक कर रही हूँ, किसी को सही पता हो तो मुझे लाजमी कमेंट्स करके चलते हैं। अच्छा यहीं खड़ी रहो, चलो मले यहीं खड़ी, मले यहाँ खड़ी रहो, मले पकड़ ना हाथ में, ये नहीं गोल घुमा, क्यों जल नहीं रही है, पकड़ हाथ में, जल्दी पकड़, डर नहीं हो, भैया यहाँ देख, पहले ये फूल जड़ी को घुमा दी, चलो आ
हम लेंगे ना पता सही भले ये भलिया कौन कौन पे बता के बोले कौन कौन से बोले हाँ अनार और अनार बोले थे और ₹500 ₹40 जो 40 ऑटो हो गया फुल जड़ी होगी फुल जड़ी कितने वाली है 250 ये छोटी वाली नहीं है जो ये छोटी होती है ये तो इतनी लंबी है छोटी कितनी है 250 वो दे दो ना 500 सही है पूछती हूँ जाके फुल जड़ी है हाँ फुल जड़ी की है फुल जड़ी कौन सी बड़ी छोटी 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 ले लो आपको एक ही रेट लगाऊंगा ₹100 की कितनी है उसमें कहाँ है दिखा दो ये तो सही नहीं खुश वाला काम नहीं है बाजी हाँ सही दिखा बाजी को फीस भी दिखा दिखा दो खोल के दिखा हाँ सही चाहिए मतलब कितनी हाँ एक ही पैकेट चाहिए अनार ये कलर है फट्टे नहीं है कलर छोड़ेंगे जैसे कितने का ये 600 का डब्बा नहीं इतना बड़ा पुराना चाहिए एक दो कितने का मिलेगा एक दो नहीं मिलेगा डब्बा मिलेगा ये देखो ये दे दो मने ये लो मने आप अनार आगे हाँ हाँ दिवाली एक साल में एक दफा आती है बच्चों को कुछ नहीं ये लो ले लो शॉपर नहीं है शॉपर नहीं है चलो मलिए गिराना मत इसको ऐसे ही पकड़ मलिए आ जा मलिए ऐसे ही पकड़ गिर जाएंगे देखो ऐसे ही पकड़ो आपको बनानी आती है ये कितने के ये अम्मा कितने के ये 80 के भाड़ा में कम नहीं करोगे मैं ₹100 के भाड़ा भेज रहा हूँ 80 के भाड़ा बोलेंगे अच्छा ये दो दो दे दो सारे टेबल में सारे कलर के डालने दो कलर ब्लू है पिंक है गोल्डन है ना जैसे मुझे आप छोड़ दो तो मुझे गिरा दो हाँ ब्लू भी डाल रहे तीन कलर हाँ सही हो गया मजा ये भी लिए सही आगे चल चलो
भाई पकड़ो, देखो खुलने नहीं है डब्बा। मलिया क्या क्या लिया मलिया आपने? फूल चाली दी है। और ये क्या लिया? हाँ तो ये क्या सिर्फ फूल? मजा आ रहा है मलिया? कैसा दिखाया है, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं ऐसे बोल रहे थे, दिवाली तो साल में एक बार आती है, बच्चों को पटाखे लेके दो, बच्चों को पटाखे लेके दो। नानी के घर पे जलाई थी कब? आ जाओ मजा। नहीं आग नहीं है, आग नहीं है, साफ चलता है। तो मेरी हिंदू कम्युनिटी फ्रेंड को हमारी तरफ से, मतलब मेरे इंडियन व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, और जहाँ हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ भी एक दो फ्रेंड हिंदू हैं, पार्लर में जहाँ मैं जाती हूँ एक दो फ्रेंड वहाँ भी है, तो उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा जो कि मैंने बनाया, तो वहाँ गए थे काफी मजा आया, काफी इंजॉय किया। मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, और कुछ लोग मुझे ना बुरा लग रहा होगा सर दिए लिया, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा सारा मिठाई भी ले आना। तो पता है बुरा क्यों लग रहा है? अगर हमारी ईद होती है ना, अगर हमें हिंदू आके कहते हैं ना ईद मुबारक, तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। और हम जब मिलते हैं तो हिंदू कहते हैं ना इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है, हम कहते हैं वाह स्वीट, कितने मीठी जबान है, ठीक है ना। और अगर हम कह देते हैं ना किसी को हैप्पी दिवाली या तो नमस्ते, तो हम अल्फाजों को मत देखो, नीयत को देखो, कोई गुनाह नहीं है यार। और हमें तो बल्कि हमारा तो फ़र्ज बनता है, हुकूमत ने तो अपना फ़र्ज निभाया, दीपावली की छुट्टी दी हुई है, लेकिन हम पब्लिक ना आम पब्लिक, हम आप आम पब्लिक है, इनका भी हक बनता है यार खुल के त्यौहार मनाए। आज अलग है दिवाली है, जहाँ पे हम गए थे ना मंदिर में, तो माशाल्लाह से वहाँ जो रौनक लगी हुई थी ना, मैं तो कहूँगी ऐसी रौनक हमारी ईद में भी नहीं होती, लेकिन वहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा लगा हुआ था, फुल इंजॉयमेंट किया। तो यार कुछ भी नहीं होता, आपके सब ना मुझे बोलेंगे कि भाई मंदिर में क्यों गई थी, मंदिर में गई थी, हाय तोबा 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 मंदिर में गई थी, तो यार कुछ भी नहीं होता। वो हमारी दरगाहों में आ सकते हैं ना, तो हम मंदिर में क्यों नहीं जा सकते? तो हम मंदिर में कोई पूजा पाठ करने नहीं गए थे, हम मंदिर में कोई हाथ जोड़ने नहीं गए थे, हम जानते हैं, हम मानते हैं कि हम में जो है ना सजदा सिर्फ खुदा को है ना, खुदा के लिए कहा गया, यहाँ तक सिर्फ अल्लाह ताला को कर सकते हो, हम सब कुछ समझते, लेकिन जाने से कुछ नहीं होता। और पता हूँ इतनी स्वीट है ना, इतनी स्वीट पब्लिक है ना हिंदू कम्युनिटी की, कि हम गए ना, और मैं जब भी व्लॉगिंग करती हूँ ना, आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे, बाहर जाती हूँ ना तो बस एक दो पोज होते हैं ना शॉपिंग वगैरह के, ये वो बना के, तो फिर बस हो जाता है, फिर बना रहे होते हैं। तो पता है क्यों? क्योंकि ना वो हमें व्लॉग बनाने नहीं देते। अभी हम सिस्टर का गिफ्ट लेने गए थे वॉच, तो वहाँ भी वॉच चले गए, हम इनका कहा कि हम वीडियो बना लें, तो वो कहने लगा प्लीज़ मेरी मत बनाइएगा और शॉप की भी ज़्यादा मत दीजिएगा। आज मैं गई ना, आप व्लॉग देखे, आज हमने ना बनाया, पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। उनकी लेडीज़ आप स्लीप में थी, दुपट्टों में थी, मंदिर के अंदर गए, उनके भगवान की बनाए और ना उनके भगवानों की वीडियोस बनाए, मंदिर की पूरी बनाई, सब बैठे हुए थे, तो कोई कुछ नहीं कह रहा था कि यार आप वीडियो क्यों बना रहे हो, कहते तो ये क्यों, क्या खूबसूरती हम में, ये मुसलमानी खूबसूरत है, मुसलमानी पर्दे दार है, तो क्या ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ दिमाग का मसला है, नफ्सियात का मसला है बस, और मैं क्या कहूँ। बाकी आप लोग को जो मुझे कहना है ना कहें, दिल खोल के कहें, लेकिन प्लीज़ मैंने आज ना दिवाली के मौके पे मैंने इतना सारा खर्चा किया, मैंने बच्चों के लिए पटाखे लिए, और ये देखे मैंने दिए लिए इतने सारे, और आपको पता है इतनी सस्ती चीज़ें मुझे मिली है ना वहाँ पे, हमने बाहर ना बाहर ये चीज़ें पूछी है ना, जब मैं यहाँ से ये शबे बारात शबे मेराज जब आती है ना, तो ये दिए मैं लेती हूँ ना 10 रुपए के एक हिसाब से मिलता है, वो भी सादा, क्या है भाई? हाँ आप बताओ। तो 10 रुपए के हिसाब से मिलता है, ये मुझे ना 80 रुपए के देखे मिले दर्जन,
तो और भी पैसे कम, मैंने कहा ना कर दो तो का और भी कम करा लो, लेकिन कहा बहन आज दिवाली है, आप खुशी से जो देना चाहो ना दे दो। तो फिर मैंने ज्यादा कम नहीं करा, मैंने 80 रुपए के ये लिए, और ये पूरा पैकेट जो मुझे मिला है ना, तो ये भी मुझे 80 रुपए का पूरा पैकेट मिला। इसके अलावा अनार चक्री हर चीज ना सस्ती थी, तो इसके अलावा पता है आज मैंने 1500 का खर्चा किया है भाई। मैंने आपको बता दिया, तो सबसे पहले तो ये लोगों की खास मिठाई है जो कि ना मैंने अभी करवा चौथ खा ना, तो उसमें सारे हस्बैंड लोग ना अपनी वाइफ को खिला रहे थे। देखा बच्चे समझ गए। हाँ तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ज्यादा महंगी है, आपको पता है ये इतना सा डब्बा इतना महंगा आया है ना कि बस आप पूछो मत। भाई ये देखे हिंदुओं की खास मिठाई है, उनकी अपनी बनी हुई होती है, ये आपको पता है, ये सिर्फ ना 1632-1633 रुपए की किलो है, 1300 रुपए की है। तो ऐसे जब करवा चौथ होती ना, ऐसे ऐसे खिलाते ना, मुझे ऐसे अच्छी लग रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा अब ना मैं भी जब रोजा रखूंगी तो आप भी मुझे इस तरह से खिलाना, नहीं मैं खुद खिला रही हूँ, थोड़ी सी खा थोड़ी सी मिले, अच्छी लगे ना लगे आप लोग को। चाट गई होशियार बच्ची। तो ये पता है ये बेसिकली ना पूरी ना काजू की बनी हुई है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट और नहीं है, बिल्कुल काजू की बनी हुई, और देखे इतने पतले पतले पीस बने हुए पूरी। तो अच्छा ये तो मैंने दिखा दी, तो भाई 1500 का खर्चा किया। प्लीज यार जेंट्स हजरा बॉयज जो भी मुझे देख रहे रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं आपको लेडीज तो देखती नहीं, बट मुझे पता है मुझे लेडीज भी देखती हैं। आज मिठाई वाले की झूम होगी आज सामने में। तो भाई ये भी है, ये है मिक्स मिठाई, इसे अभी नहीं खोलूं क्योंकि ना इसे बाद में खोलूंगी। तो खास करके मुझे पता है एक का नाम याद है जो मुझे अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं, शंकर लाल। तो भाई आप सबको जितनों के नाम याद है जितनों के नहीं याद है सबको मेरी तरफ से एक बार और हैप्पी दिवाली। तो चले जी अब ब्लॉग एंड करने का वक्त आया, तो उम्मीद करते हो आप लोगों को समझ भी आई होगी बात, और समझ तो किसी को बाप की भी नहीं आती, तो मेरी क्या समझेंगे। तो उम्मीद करते हो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अब लेंगे बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो अब लेंगे इजाज़त। ओके अल्लाह हाफिज़, हैप्पी दिवाली।